अस्सलाम वालेकुम। आज हम मुगलाई बिरयानी बनाएंगे, जिसके लिए हमने चिकन का मीट लिया है 1 किलो, चावल लिए हैं आधा किलो। इनको हमने अच्छी तरह से वॉश करके 15 से 20 मिनट तक पानी में सोक करना है। प्याज हमने मीडियम साइज से थोड़े से छोटे लेने हैं 3, इनको हमने स्लाइसिस में काट लेना है। लहसुन की पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, अदरक की पेस्ट लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर, कुकिंग ऑयल लेंगे आधा कप, घी लेंगे आधा कप, दही लेंगे 1½ कप, दूध लेंगे आधा कप, थोड़ा 2-3 टेबल स्पून दूध लेकर उसमें हमने ज़ाफ़रान को सोक कर देना है। लेमन जूस लेंगे 4 टेबल स्पून के बराबर, ये हमने 2 लेमन लिए हैं उनका हमने जूस निकाला है। हरा धनिया कटा हुआ लेंगे आधा कप, हरी मिर्चें 3 लेंगे बारीक कटी हुई, पुदीना लेंगे कटा हुआ आधा कप। पिसे हुए मसालों में हमें चाहिए नमक 2 टीस्पून या टू टेस्ट, हल्दी पाउडर लेंगे आधा टीस्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, धनिया लेंगे पिसा हुआ 1½ टेबल स्पून, लाल मिर्च का पाउडर लेंगे 1 टेबल स्पून भरकर या 1½ टेबल स्पून। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, जितना आप स्पाइसी खाते हैं उतना ही डालें। साबुत मसालों में हमें चाहिए सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, लौंग लेंगे 6, हरी इलायची लेंगे 6, शाही ज़ीरा या काला ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, सिनमिन का हमने 1 टुकड़ा लेना है 1 इंच का, काली मिर्चें लेनी है 15, बादाम लेने हैं आधा कप, इनको हमने पानी में सोख करके इनके छिलके हमने उतार लेने हैं। अब हमने 5 गिलास पानी लेकर उबाल लेना है, इसमें हमने नमक डाल देना है 3 टीस्पून, 4 टीस्पून भी डाल सकते हैं। अब हमने इसमें चावल डाल देने हैं, चावलों को हमने 60 से 70% तक बॉईल कर लेना है। चावलों को हमने 60 से 70% तक बॉईल करके इनको हमने एक छाननी में छान लेना है। छाननी में छान कर थोड़ा सा फैला दें ताकि चावल जो है ये आपस में जुड़े ना। अब हमने एक पैन को गरम कर लेना है मीडियम आग पर, इसमें हमने कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप या थोड़ा सा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब साथ ही हमने प्याज डाल देना है, प्याज हमने 3 लिए हैं, मीडियम साइज से थोड़े छोटे प्याज हैं, इनको हमने स्लाइसिस में काट कर अब प्याज को हमने गोल्डन कर लेना है। अब प्याज को हम गोल्डन करेंगे, प्याज को हमने गोल्डन कर लिया है। अब हमने एक प्लेट में पेपर टॉवल बिछा लेना है, इसमें हमने ब्राउन किया हुआ प्याज निकाल लेना है। प्याज को निकाल कर पेपर टॉवल के ऊपर हमने फैला देना है। सारी प्याज को हमने निकाल कर पेपर टॉवल के ऊपर फैला देना है। अब बाकी के ऑयल में हमने बादाम डाल देने हैं, बादाम डालकर हमने बादामों को हमने थोड़ा सा फ्राई करना है। थोड़ी देर तक हमने बादामों को फ्राई कर लेना है, फिर इसमें से हमने थोड़े से बादाम जो हैं ये निकाल लेने हैं एक प्लेट में गार्निश के लिए। पंद्रह से बीस बादाम हमने गार्निश के लिए निकाल लेने हैं इस तरह से।
बाकी के बादाम में हमने लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देनी है। साथ ही हमने चिकन डाल देनी है। चिकन डालकर मिक्स कर देंगे। आग को हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रखा हुआ है। चिकन डालकर मिक्स कर दी है। अब हमने इसमें मसाले डालने हैं। नमक डालेंगे 2 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो 1.5 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर डालेंगे 1.5 टेबलस्पून। मसाले डालकर 5 से 6 मिनट तक हमने चिकन को भून लेना है। आग को अभी हमने मीडियम से थोड़ा सा तेज रख के चिकन को हमने भून लेना है। इसमें आप नमक और मिर्च थोड़ा सा तेज रखें, क्योंकि इसमें अभी चावल जाएंगे तो थोड़ा सा स्पाइसी और मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है। अब चिकन को हमने भून लेना है 6 से 7 मिनट तक, आप देख लें तब तक हमने चिकन को भून लेना है। चिकन को हमने 6 से 7 मिनट तक भून लिया है। अब चिकन का पानी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। थोड़ी सी तेज़ आग पर ही चिकन को भूनना है, क्योंकि चिकन बहुत नरम होती है, जल्दी ही गल जाती है। अब हमने इसमें पानी डाल देना है, 1/2 कप हमने इसमें पानी डालना है। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। आग को हमने मीडियम ही रखना है या थोड़ा सा तेज़ कर लें, ताकि चिकन जो है ये टूटे ना। 10 से 12 मिनट तक हमने चिकन पर ढकना लगाकर चिकन को हमने पकाना है, ताकि चिकन थोड़ी गल जाए और पानी खुश्क हो जाए। 10 से 12 मिनट तक, बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना, क्योंकि चिकन वैसे ही बहुत जल्दी गल जाती है। चिकन को हमने ढाँप कर 10 मिनट तक पका लिया है। अब हमने इसमें साबुत मसाले डाल देने हैं। सफ़ेद ज़ीरा डालेंगे 1 टीस्पून, काली मिर्चें डालेंगे 15, एक हमने सिनमिन का टुकड़ा डालना है, 6 हरी इलायची, 6 लौंग, 1 टीस्पून हमने कैरवे सीड यानी कि शाही ज़ीरा डाल देना है। मसाले डालकर चिकन में हमने मिक्स कर देने हैं। अभी हमने ढाँप कर 3 से 4 मिनट तक हमने चिकन को और पकाना है। आग को हमने थोड़ा तेज़ रखना है, ताकि चिकन जो है टूटे ना, अच्छी तरह से गल जाए। 3-4 मिनट तक हमने चिकन को और पका लेना है ढाँप कर। मसाले डालकर 3-4 मिनट तक हमने चिकन को और पका लिया है। पानी बिल्कुल 1/2 कप थोड़ा सा रह गया है, इतनी सी ग्रेवी जो है ये होनी चाहिए। अब हमने इसमें दही डाल देना है, 1.5 कप हमने दही डालना है। अच्छी तरह से दही को हमने फेंट लेना है। साथ ही हमने लेमन जूस डाल देना है। 2 लेमन लिए हैं हमने, इनका जूस निकाला है। इसमें हमने हरी मिर्चें डाल देनी है 3, ये आप देख लें जितनी आप हरी मिर्च खाते हैं उतनी ही डाल लें, मैंने इसमें 3 डाली हैं। पुदीना डाल देंगे कटा हुआ 1/2 कप, हरा धनिया डाल देंगे कटा हुआ 1/2 कप, अब हमने अच्छी तरह से चिकन को मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक हमने चिकन को और पकाना है ढांपे बगैर। अच्छी तरह से चिकन को हमने मिक्स कर देना है।
आग को हमने थोड़ा तेज ही रखना है, चिकन को हमने थोड़ी देर और पका लेना है। सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकाना है। चिकन को हमने 4 से 5 मिनट तक तेज आग पर पकाया है, बहुत मज़ेदार टेस्ट है। अब आप इसमें नमक टेस्ट कर लें, नमक थोड़ा सा तीखा डालें क्योंकि अभी इसमें चावल आएंगे, चावलों के हिसाब से आप इसमें नमक डाल लें। बहुत ही चटपटा जायकेदार चिकन तैयार है। अब आग को हमने बंद कर देना है। अब हमने दूसरी पैन में चावलों को दम पर लगाना है। अब हमने एक पैन को गर्म कर लेना है, इसमें हमने चावलों को दम पर लगाना है। इसमें हमने चावल डाल देने हैं, आधे चावल हमने पहले डालने हैं। चावलों के ऊपर हमने आधा सालन डाल देना है, आधा हमने बचा लेना है। अब हमने बाकी के चावल इसके ऊपर डाल देने हैं। चावलों को हमने थोड़ा सीधा कर देना है। आग को हमने मीडियम ही रखना है। अब हमने बाकी का सालन चावलों के ऊपर डाल देना है। इसके ऊपर हमने आधा कप दूध डाल देना है, साथ ही हमने जाफरान डाल देना है। 2-3 जगह के ऊपर दूध में भिगोकर जाफरान डाल देना है। ऊपर से हमने बादाम डालने हैं जो कि हमने पहले से फ्राई किए हुए हैं। इसके ऊपर हमने थोड़ा सा घी डाल देना है, ये आपकी मर्जी है। घी से बिरयानी की खुशबू जो है ये बहुत अच्छी आती है और टेस्ट में बहुत अच्छा लगता है घी बिरयानी के ऊपर। आपकी मर्जी है, जितना मर्जी डाल लें, 3-4 चमचे डाल लें या आधा कप डाल लें। इसके ऊपर हमने ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देना है। सारी प्याज हमने ऊपर डाल देनी है। अब हमने ढकना लगाकर आग को हमने थोड़ा तेज रखना है। 7 से 8 मिनट तक हमने थोड़ी तेज आग पर बिरयानी को पकाना है, फिर हल्की आग करके फिर हमने 8 से 10 मिनट तक चावलों को दम पर पकाना है। बिरयानी को हमने तेज आग पर 7 से 8 मिनट तक दम पर लगाया, फिर थोड़ी सी हल्की करके आग को फिर हमने दोबारा से दम पर लगाया। अब बिरयानी हमारी रेडी है। अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर देना है पूरी बिरयानी को। आग को हमने बंद कर देना है। पूरी बिरयानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिरयानी हमारी रेडी है। सारी साइडों से उठाकर चावल जो हैं ये ऊपर डाल दें, अच्छी तरह से बिरयानी को मिक्स कर लें। सारी बिरयानी को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। अब हमने प्लेट में बिरयानी को सर्व करना है। अब हमारी मज़ेदार बिरयानी रेडी है। इसको आप अचार के साथ खाइए, बेहतरीन जायका है। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़। अगर आपकी कोई फरमाइश है तो आप मेरे फेसबुक पर मैसेज करें या इस वीडियो पर कमेंट्स करें। मेरे चैनल पर सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो थम्स अप दें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।